माय डियर स्टूडेंट, मैं शशि कुमार आप लोगों को ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास लेक्चर में वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ने फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़ लिए थे, उसके बाद हम लोग सेकंड मेथड पढ़े। फर्स्ट मेथड था हम लोग को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड मेथड था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है कि दो फंक्शन हम लोग को दिया जाता है और दो फंक्शन हम लोग को मल्टीप्लाई के रूप में दिया जाता है। जैसे मैं अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन ईव है, एक फंक्शन ईव है और दूसरा फंक्शन भी है और दोनों हम लोग को मल्टीप्लाई के रूप में रहता है, उसी को हम लोग को dx के रिस्पेक्ट में हम लोग को इंटीग्रेशन करने को बोलता है। तो हम लोग इसको ही हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोग ईव और वी के फॉर्म में हम लोग को प्रॉब्लम मिलता है और ई और भी के रूप में हम लोग जब प्रॉब्लम मिलता है तो हम लोग उसको पहचानते हैं कि किसको हम लोग यू माने और किसको हम लोग भी माने। तो हम लोग ई और भी को पहचानने के पहले हम लोग को एक मीनिंग को जानना होगा। वो मीनिंग है आई मीन्स होता है इनवर्स। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एल से होगा लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक फंक्शन ए से होगा आई से हुआ इनवर्स फंक्शन। एल से हुआ लॉगरिथमिक। ए से हुआ अलजेब्रिक। टी से हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ई से हुआ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम लोग जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन किसको कहते हैं। इनवर्स फंक्शन जो होता है वो इस प्रकार इस फॉर्म में रहता है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, ईटीसी। इस तरह के फॉर्म में अगर रहेगा, अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर उसको हम लोग इन्वर्स कर देंगे तो वही मेरा इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ कि कोई भी फंक्शन लॉग के रूप में रहता है उसको हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन हो गया कि कोई भी मान लीजिए फंक्शन है वो एक्स के फॉर्म में हो या कोई भी नंबर के फॉर्म में हो, एक दो तीन चार इस उसको अलजेब्रिक में हम लावेंगे। या ट्रिगोनोमेट्रिक हुआ कि साइन एक्स, कोस एक्स, टैन एक्स, ईटीसी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ अगर कोई भी फंक्शन ई टू दी पावर एक्स के फॉर्म में रहेगा, ई टू दी पावर टू एक्स प्लस फाइव इस तरह के फॉर्म में अगर रहेगा तो हम लोग उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे कि ईव और भी इसमें ईव और भी हम लोग इसमें मानेंगे आगे किसको। अगर कोई भी मान लीजिए फंक्शन दे लिया है i इज इक्वल टू दिया गया x log x dx। हम लोग को दो फंक्शन दिया गया है वो मल्टीप्लाई के रूप में u और v के फॉर्म में दिया गया है x और log x। तो हम लोग मानेंगे इसको हम लोग u किसको मानेंगे और v किसको हम लोग मानेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो u और v को हम लोग डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कोई मीनिंग को हम लोग याद करना जरूरी होगा। तो इस मीनिंग में सबसे आगे आता है i। अगर हम लोग को ये दो फंक्शन एक्स और लॉग एक्स या ई और भी दिया रहेगा तो हम लोग अगर इनवर्स फंक्शन अगर हम लोग
वो प्रॉब्लम में अगर दिया रहेगा तो हम लोग जो इन्वर्स फंक्शन रहेगा उसको हम लोग यूं मानेंगे, और उसके बाद जो भी फंक्शन रहेगा, जैसे मैं लेते हैं एग्जांपल टैन इन्वर्स एक्स, एक्स इंटू टैन इन्वर्स एक्स, तो हम लोग इसमें यू किसको मानेंगे, यू हम लोग मानेंगे टैन इन्वर्स एक्स को यू मानेंगे, और एक्स जो बचा अभी इसको हम लोग भी मानेंगे, और उसके बाद हम लोग यू इंटू भी के हम लोग एक फॉर्मूला होता है, और यू और भी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू भी, कोई भी यू और भी के अगर फॉर्म में कोई भी दो फंक्शन रहेगा तो हम लोग जब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो यू को बाहर निकालते हैं और भी को हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ यू को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसी को हम लोग यू को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर हम लोग भी को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर हम लोग सभी को इस दोनों को हम लोग फिर से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, यही मेरा फॉर्मूला हुआ। अगर कोई भी फंक्शन दो फंक्शन यू और भी के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग को इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करके हम लोग इसको आसानी से सोल्व करेंगे, लेकिन हम लोग को यू और भी को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के पहले हम लोग को डिटरमाइन करना होगा कि हम लोग को इस फंक्शन में यू कौन है और भी कौन है। तो हम लोग अभी जाने कि यू उसको हम लोग कहेंगे जो इस मेन्यू में सबसे आगे आता है, जैसे सबसे आगे आता है इनवर्स फंक्शन, अगर इनवर्स फंक्शन अगर हम लोग के फंक्शन में अगर दिया रहता है तो हम लोग इनवर्स को हम लोग यू मानते हैं, और उसके बाद कोई भी अगर फंक्शन उसको हम लोग भी मानते हैं। अब इसको में हम लोग देखेंगे कि x इंटू लॉग x है, तो x इंटू लॉग x है, ये है अलजेब्रिक फंक्शन, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन, तब हम लोग जानेंगे कि लॉगरिथमिक आगे आता है या अलजेब्रिक आगे आता है। तो हम लोग देखते हैं कि लॉगरिथमिक आगे, लॉगरिथमिक फंक्शन आगे आता है, उसके बाद अलजेब्रिक आता है। इसके लिए इससे हमको साबित होता है कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो है लॉग x है इसको हम लोग u मानेंगे, और जो x है इसको हम लोग v मानेंगे, और u और v जब हम लोग को पता चल गया तो हम लोग को इस फॉर्मूले पर हम लोग u और v को हम लोग रख देंगे, और उसको फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट दोनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट भी इसको करना पड़ेगा और इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, और डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट दोनों करके हम लोग इस इंटीग्रेशन का हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक प्रॉब्लम की ओर, इस दोनों प्रॉब्लम को हम लोग ई और भी के जो फॉर्म में दिया गया है इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम चलते हैं कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं x इंटू लॉग x, और इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोग अभी जाने कि u और v के अगर फॉर्म में कोई भी अगर प्रॉब्लम रहे तो हम लोग उसको u और v कैसे हम लोग उसको डिटरमाइन करेंगे। तो हम लोग एक मीनिंग को जाने थे, वो मीनिंग है आईलेट। तो अब हम लोग को इसमें चेक करना पड़ेगा कि हम लोग को इस फंक्शन इस दोनों x और log x में हम लोग u किसको माने। तो जो भी आईलेट मीनिंग में सबसे फर्स्ट मीनिंग आता है, और उस फर्स्ट मीनिंग जो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन आता है उसको हम लोग यू मानते हैं। जैसे एक फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है, एक है लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन आगे हम लोग को इस मीनिंग में आता है या अलजेब्रिक फंक्शन आगे आता है। तो हम लोग देखेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो हम लोग को आगे आता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को इसका मतलब है कि लॉग एक्स हमारा यू है, और उसके बाद हम लोग अपने आप हम लोग मान जाएंगे कि जो x बचा हुआ हमारा भी होगा, और e और v के फॉर्म में अब मेरा ये प्रॉब्लम है, इसको हम बताए थे एक फॉर्मूला बताए थे, उस फॉर्मूला पर हम लोग e और v को हम लोग पुट कर देंगे, और उसके बाद उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग को इंटीग्रेशन हम लोग को मिल जाएगा। तब हम लोग इसको e और v के फॉर्मूले पर हम लोग इसको रखते हैं। तो e और v के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन रहता है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u के डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर v को हम लोग
इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में और फिर हम लोग सभी को इंटीग्रेट करते हैं। अब हम लोग इसको u और v के जगह हम लोग इस फंक्शन को रख देंगे, u के जगह हम लोग रखना होगा log x और v के जगह हम लोग रखेंगे x को रखेंगे। u के जगह हम लोग log x को रखेंगे और फिर v के जगह हम लोग x के रखेंगे माइनस u के जगह हम लोग रखेंगे log x को u के जगह हम लोग log x को रखें इंटीग्रेशन और v के जगह हम लोग x को रखें। अब इसके बाद हम लोग x को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हम लोग को मिलेगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बटर टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बटर टू होता है माइनस लॉग एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं कि एक बटा एक्स होता है इंटू एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बटा टू होता है और इसी को हम लोग फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स से एक्स कट जाएगा। इसके बाद हम लोग को बचेगा आई बराबर बचेगा लॉग, इसको आगे हम लोग लिख देते हैं लॉग एक्स को पीछे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बटर टू माइनस एक्स बटर टू डी एक्स। एक बटर टू को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कॉमन जब लेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स वाटर टू माइनस एक वाटर टू और एक्स को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एक्स को जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर वाटर टू होता है। तो हमारा सोल्यूशन अब मिलेगा, आप लोग इसे नोट करते जाएं। इसके बाद हम लोग अब इसको लिखेंगे इस तरह आई बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स वाटर टू माइनस एक वाटर फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही मेरा इंटीग्रेशन होगा एक्स इंटू लॉग एक्स को जब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, हमको ई और भी के फॉर्म में हम लोग को इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है जो नहीं दिया गया है, ई और भी के हम लोग फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि लॉग एक्स का तो इंटीग्रेशन लॉग एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि अगर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, उसको हम लोग याद नहीं करते हैं। तो अब हम लोग log x को हम लोग को x के रिस्पेक्ट में हम लोग को इंटीग्रेशन निकालने का रहा है तो हम लोग को log x को हम लोग e और v के फॉर्म में हम लोग को लिखना होगा। तो log x में लिखा गया है लिखा हुआ है उसको हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा e और v के फॉर्म में हम लोग को आ गया। लेकिन अब हम जानेंगे कि e और v के फॉर्म में तो आ गया लेकिन हम लोग e किसको माने और v किसको माने, तो फिर हम लोग चलते हैं उस मीनिंग की ओर। उस मीनिंग को हम लोग जानते हैं कि आई लेट इसका मीनिंग होता है, तो आई लेट में हम लोग को जो फंक्शन सबसे पहले आता है उसी को हम लोग यू मानते हैं और जो फंक्शन सबसे पीछे आता है उसको हम लोग भी मानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इसमें एक इसमें दो फंक्शन दिया गया है एक फंक्शन है लॉगरिथमिक दिया गया है लॉगरिथमिक और दूसरा है अलजेब्रिक। तो लॉगरिथमिक हम लोग देखते हैं कि मीनिंग में लॉगरिथमिक सबसे पहले आता है और अलजेब्रिक है जो बाद में आता है। इससे हमको हम लोग को साबित होता है कि लॉग एक्स है इसको हम लोग यू मानेंगे और जो एक है इसको हम लोग भी मानेंगे। अब हमको ई और भी हम लोग को मालूम पड़ गया। अब ई और भी हम लोग को जब मालूम पड़ा तो हम लोग इसको ई और भी को जब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है वो भी हम लोग को मालूम करना होगा।
तो हम लोग को ए और बी के जो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसको हम लोग उस फॉर्मूले को हम लोग को याद रखना होगा। तो वो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार होता है, अगर कोई भी मान लीजिए फंक्शन यू और भी है तो उसका होता है फॉर्मूला होता है यू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में फिर इंटीग्रेशन ऑफ भी का इंटीग्रेशन होता है फिर होल का इंटीग्रेशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग तो जान गए कि यू कौन है और भी कौन है, तो हमको मालूम चला है कि जो लॉग एक्स है वो यू है, तो हम लोग इसको लॉग एक्स लिख देंगे। भी के जगह हम लोग को मालूम पड़ा है कि एक है, तो एक डी एक्स माइनस यू के जगह हम लोग को मिला है लॉग एक्स वाटर डी एक्स, और भी के जगह हम लोग को मिला है एक डी एक्स फिर डी एक्स होगा। अब हम लोग लॉग एक्स को लॉग एक्स लिखते हैं और एक का इंटीग्रेशन जानते हैं कि एक्स होता है, एक्स को हम लोग आगे लिखते हैं लॉग एक्स को पीछे, माइनस लॉग एक्स को हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में इसका जो वैल्यू होता है एक बटा एक्स होता है, और जब एक का हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमको मिलता है एक्स, और फिर एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में फिर इन दोनों को हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक्स से एक्स कट गया तो हम लोग को बचा एक, और एक को हम लोग फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारा जो प्रॉब्लम है जो इस फॉर्म में आ गया आई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक डी एक्स। अब हम लोग जानते हैं एक्स के रिस्पेक्ट एक को जब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग को वैल्यू आता है एक्स। अब इसका जो सोल्यूशन हुआ वो एक्स लॉग एक्स माइनस एक का इंटीग्रेशन जानते हैं एक्स प्लस सी, यही मेरा फाइनल सोल्यूशन हुआ। अब इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कुछ और प्रॉब्लम को देखते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो इस प्रकार है। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कोस टू एक्स डी एक्स। हम लोग को एक प्रॉब्लम दिया गया है जो ई और भी के फॉर्म में दिया गया है, और हम लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है, तो हम लोग पहले इसमें जानेंगे कि इसमें ई और भी कौन है। तो हम लोग को ई और भी पहचानने के लिए हम लोग एक मेनी को जानते हैं, वो है आई लेस। इसमें जो फंक्शन सबसे आगे आता है उसको हम लोग यू मानते हैं, और जो फंक्शन हमको बाद में आता है उसको हम लोग भी मानते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट होता है आई बराबर होता है इनवर्स होता है, जो इनवर्स इसमें तो कोई है नहीं। एल होता है लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक भी इसमें कोई नहीं है। फिर अलजेब्रिक होता है ए, अलजेब्रिक इसमें एक है, एक्स स्क्वायर है। तो हम लोग जान लिए कि हम एक्स स्क्वायर जो है मेरा है वो यू है, और कोस टू एक्स है जो हमारा भी है। तो अब हम लोग ई और भी तो पहचान लिए, उसके बाद हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला है जो आप लोग जानते ही हैं कि यू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स माइनस डी यू वाटर डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब हम लोग यू और भी का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो यू के जगह हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, यू के जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और भी के जगह हम लोग कोस टू एक्स लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे, माइनस ऑफ यू के जगह हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर भी के जगह हम लोग लिखेंगे क्या, कोस टू एक्स
कोस 2x, इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर जो मेरा ये इस फंक्शन का जो वैल्यू आएगा उसको फिर से हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। हम लोग अब x स्क्वायर को x स्क्वायर ही रहने देंगे, cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x, तो x के जगह हम लोग को लिखा गया है 2x, और जो x का कोफिशिएंट है उसको हम लोग दो से डिवाइड कर देंगे। माइनस ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि 2x होता है इनटू cos 2x का, cos 2x के इंटीग्रेशन हम लोग अभी निकालने की sin 2x बटा 2 होता है, 2 होता है, और उसको फिर हम लोग x के रिस्पेक्ट में हम लोग फिर इंटीग्रेट करेंगे। ये 2 से 2 हम लोग को कैंसिल हो गया, अब फिर हम लोग का प्रॉब्लम आ गया x * sin 2x। अब हम लोग को इस फंक्शन को हम लोग i मान लेंगे, i1 मान लेंगे, और i1 को हम लोग फिर से हम लोग u और v के फॉर्म में हम लोग इसको इंटीग्रेट करके हम लोग i1 की जगह हम लोग रख देंगे, तो हमको i मालूम हो जाएगा, यही मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो i1 हम लोग निकालेंगे, i1 को हम लोग i1 हमारा होगा x इंटू साइन टू एक्स डी एक्स। अब हमको इसमें पता करना होगा कि हमारा u कौन है और v कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है वो सबसे पहले आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पहले हम लोग को अलजेब्रिक फंक्शन आता है, इसीलिए x को हम लोग u मानेंगे, साइन टू एक्स को हम लोग वी मानेंगे, और फिर हम लोग यू और वी का हम लोग फॉर्मूला फिर हम लोग लागू करेंगे। तो हम लोग को u के जगह हम लोग x लिखेंगे, तो x को हम लोग बाहर निकालेंगे, और v के जगह हम लोग sin 2x, sin 2x को हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे माइनस ऑफ, हम लोग u को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, और v के फिर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो v के जगह sin 2x dx, और फिर हम लोग सभी को हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसके बाद हम लोग को मिलेगा i इज इक्वल टू x sin 2x को हम लोग जानते हैं कि sin 2x का जो इंटीग्रेशन होता है sin का होता है माइनस ऑफ cos x, तो माइनस cos 2x बटा 2x का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड में कर दिए, माइनस dx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है, sin 2x का हम लोग जानते हैं कि माइनस cos 2x होता है, माइनस cos 2x यहां लिखेंगे तो माइनस माइनस से प्लस होगा, sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x बटा 2 होता है, और फिर इसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा एकदम छोटा फॉर्म में आ जाएगा, वो छोटा फॉर्म है x cos 2x वाटर 2, i1 ही निकाल रहा है हम लोग को, i1 बराबर x cos 2x वाटर 2 प्लस cos के हम लोग जानते हैं कि sin 2x होता है, sin 2x होता है, ये दो पहले से लिखा था, और फिर जब 2x को हम लोग इंटी x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, यही मेरा i1 हुआ। अब i1 हम लोग तो फाइंड कर लिए, अब i1 हम लोग इस जगह पे रख देंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन होगा, हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इस प्रकार होगा, i इज इक्वल टू x स्क्वायर sin 2x बटा 2 माइनस, अब i1 की जगह हम लोग इतना रख देंगे, तो माइनस से जब इस पूरा में हम लोग होल में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सब माइनस में आ जाएगा, x cos 2x बटा 2 माइनस sin 2x बटा 4, और प्लस c हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद मैं आप लोग को कुछ प्रॉब्लम दे देता हूं, उस प्रॉब्लम को आप लोग घर पे बनाइएगा, अगर आप लोग से प्रॉब्लम अगर नहीं बने तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर जान ही रहे हैं, वो व्हाट्सएप नंबर है 74 63 05 86 32,
इस पर प्रॉब्लम को सेंड करें, और सेंड करने के बाद हम आप लोग को उस प्रॉब्लम पर एक वीडियो बना देंगे, या वीडियो नहीं बनाएंगे तो हम आप लोग को हम उसको कॉपी पर सोल्व करके उसको फोटो को हम लोग क्रॉप करके आप लोग को सेंड कर देंगे। अगर आप लोग उससे अगर नहीं समझे तो हम मेरा मैं एक उस पर एक लेक्चर बना दूंगा, वीडियो लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। तो अब हम आप लोग को कुछ प्रॉब्लम दे देता हूँ, आप लोग घर पे बनाइएगा। इसके बाद हम लोग को प्रॉब्लम देने के पहले एक और टिप्स है, उसको हम लोग को याद कर लेना बहुत जरूरी है। तो क्या टिप है, टिप्स है ना? हम लोग का टिप्स है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन अगर दिया रहेगा आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, अगर हम लोग को कोई प्रॉब्लम अगर इस फॉर्म में अगर दिया रहेगा, हम लोग को एक प्रॉब्लम इस फॉर्म में रहेगा ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स मान लीजिए कोई फंक्शन है, और एफ डैश एक्स आप लोग जान ही रहे हैं कि एफ डैश एक्स जो है डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स मतलब हुआ कि एफ एक्स का ही डिफरेंशिएशन है। अगर हम लोग को कोई प्रॉब्लम दे दिया गया है, वो प्रॉब्लम इस प्रकार है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, हम लोग कोई फंक्शन दिया गया है, मान लीजिए कोई फंक्शन अगर इस प्रकार रहे कि टू की पावर एक्स और एफ एक्स ही रहे, और एफ एक्स के जस्ट बाद प्लस में ऐड उसके ऐड करके उसके डेरिवेटिव को लिख दिया जाएगा, और उसी को हम लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोलेगा। तो हम लोग को ये फॉर्मूला होता है कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है टू दी पावर एक्स एफ एक्स होता है प्लस सी होता है, टू दी पावर एक्स होता है एफ एक्स होता है प्लस सी होता है। तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है इसी बेस पर आधारित है, e to the power x है, f x मान लीजिए कि ये है, इसी का डेरिवेटिव हम लोग को cos x दिया गया है, sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि cos x होता है। तो इसका मेरा सॉल्यूशन जो मिलेगा वो मिलेगा इंटीग्रेशन इसका मिलेगा e to the power x sin x plus c। इसी प्रकार एक और प्रॉब्लम e to the power x टू दी पावर एक्स लॉग एक्स प्लस एक बटा एक्स डी एक्स, अब हम लोग फंक्शन दिया गया है और इसको हम लोग को इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्म में अगर रहेगा तो हम लोग को डायरेक्ट ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस सी हम लोग लिख देंगे, यही मेरा सोल्यूशन होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग को कंपल्सरी हम लोग को ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है, जिसे स्टूडेंट को अगर ये टिप्स अगर अब याद रहता है तो सेकेंडों में वो अपने ऑब्जेक्टिव को टिक आउट कर देते हैं। तो इसका जो हमारा जो वैल्यू होगा e टू दी पावर एक्स लॉग एक्स प्लस सी होगा। इसके बाद हम आप लोगों को कहे थे कि हम लोग इस पर कुछ बाय पार्ट पर और इस जो टिप्स अभी बताए इस पर हम लोग एक आध दो क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, वो क्वेश्चन आप लोग अपने घर पर बनाएगा, इसको नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में, वीडियो को पॉज कर तब इसके बाद हम आप लोग को प्रॉब्लम देते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है एक में है आई इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ टैन इनवर्स एक्स डीएक्स, सेकेंड है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। थर्ड है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस सेवन एक्स डी एक्स। इसके बाद है फोर में है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस चार प्रॉब्लम को आप लोग घर पे बनाइएगा, और अगर आप लोग से नहीं बना तो हम बता ही दिए कि हम मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग इस प्रॉब्लम को सेंड करिएगा। अगर नहीं, अगर आप लोग को किसी प्रकार अगर डाउट रहेगा तो आप लोग सेंड करिएगा, हम आप लोग को सोल्यूशन भेजेंगे जैसे हम लोग भेजें। अगर आप लोग अगर कोई भी आप लोग बुक से भी बनाते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोग को नहीं बनता है तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग को हम लिख ही दिए, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सेंड करेंगे तो आप लोग को उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। इसीलिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।